नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स, और गाइस जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ा हुआ है तो सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, आप लोगों ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था कि हम गाय को कैसे चेक कर सकते हैं कि गाय प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है। दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही थी, तो आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि कैसे आप गाय को चेक कर सकते हैं कि गाय प्रेग्नेंट है या नहीं। तो गाइस, इस वीडियो को आप बिल्कुल पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत लगी है। तो आप सभी लोगों को कितना समझ आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट। जो भी किसान भाई मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, कोई वेटनरी का स्टूडेंट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो किसान भाइयों, आप जब भी अपने गाय की पीडी यानी कि प्रेगनेंसी को चेक करवाएं कि गाय प्रेग्नेंट है या नहीं, तो किसी पशु चिकित्सक से ही करवाएं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनिमल की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के 35 दिनों के बाद हम गाय की फर्स्ट प्रेगनेंसी को चेक करते हैं, यानी कि एक महीने के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सिम्टम्स मैं आपको बताऊँगा उनको आपको नोट डाउन करना है और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं बताऊँगा आपको, तो आपको क्या करना है कि रेक्टम के अंदर हाथ डालना है, उसके बाद आपको जो है सर्विक्स यूट्रस को भी फील करना है। सर्विक्स यूट्रस को फील करने के बाद आपको धीरे धीरे जाना है, यहाँ पर आपको हॉर्न्स वगैरह फील करने हैं बिल्कुल आराम से। दोस्तों, इसमें जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, तो एक हॉर्न की जो है फेलोपियन ट्यूब फूलने लगती है दोस्तों, जिसमें जो है जायगोट भी बनना स्टार्ट हो जाता है और एम्ब्रियो भी थोड़ा सा आपको महसूस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बच्चा जो होगा वो एक हॉर्न में होगा, यानी कि उस हॉर्न को हम प्रेग्नेंट हॉर्न भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रेगनेंसी भाई चेक कर सकता है जिसे फील्ड का अच्छा ज्ञान होगा और जो अच्छा पशु चिकित्सक होगा। और दोस्तों, इसके लिए आपका माइंड बिल्कुल सही होना चाहिए और आपको जो है कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड प्रेगनेंसी चेक करने की, यानी कि 2 महीने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। 60 दिन के बाद जब हम गाय की प्रेगनेंसी को चेक करते हैं तो उसमें क्या होगा। सो गाइस, यार जो प्रेग्नेंट हॉर्न होगा, यानी कि दोनों हॉर्न में से जो प्रेग्नेंट हॉर्न होगा, वो उसका जो साइज होगा वो 2 गुना साइज हो जाएगा, यानी कि वो जो नॉर्मल हॉर्न होगा दूसरा, उससे जो है 2 गुने साइज का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें जो होता है मेम्ब्रेन स्लीव्स और जो फ्लूइड्स होता है वो चारों ओर फैल जाएगा। और दोस्तों, इसमें जो सर्विक्स होती है वो बंद रहती है और जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है, सर्विक्स जो है नॉर्मल पोजीशन में ही रहती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं थर्ड प्रेगनेंसी की, जो कि 3 महीने के बाद, यानी कि 90 दिनों के बाद गाय की पीडी प्रेगनेंसी को हम चेक करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा किसी पशु चिकित्सक से कि आपकी गाय की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के बाद जब आप 1 महीने के बाद पशु को चेक कराने के लिए ले जाते हैं, तो कोई पशु चिकित्सक ऐसा कहते हैं कि आप 3 महीने के बाद लाएं और हम आपकी गाय की प्रेगनेंसी को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसका क्या कारण है कि जो प्रेग्नेंट हॉर्न होगा, यानी कि जो काफ की जो जायगोट होगा, फीटस होगा, उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो जाएगी और जो पशुपालक है वो आसानी से पशु को चेक करके बता सकता है कि आपका जो पशु है वो गाभिन है या नहीं। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो 3 महीने की जो प्रेग्नेंट कैटल होती है उसका जो प्रेग्नेंट हॉर्न है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, यानी दोस्तों एक गेंद के समान 9 से 12 सेंटीमीटर तक उसका साइज आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसको महसूस करेगा। और दोस्तों, 3 महीने की प्रेगनेंसी जो होती है वो बिल्कुल सेफ रहती है, इसमें जो एबॉर्शन होने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं अगर आप सही तरीके से गाय की प्रेगनेंसी को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें जो गर्भाशय की जो दीवार होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पतली हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 120 दिन की प्रेगनेंसी की, यानी कि गाय को 4 महीने की प्रेगनेंसी को हम कैसे चेक करते हैं। तो गाइस यार, इसमें क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो बच्चा होगा वो एक फुटबॉल की आकृति जितना महसूस होगा आपको। दोस्तों, जब आप हॉर्न को फील करोगे तो आप देखो कि जो प्रेग्नेंट हॉर्न है वो उसकी आकृति और बड़ी हो जाएगी, यानी कि वो आपको फुटबॉल की आकृति जितनी होती है उतना आपको वो महसूस होगा। दोस्तों, जैसे जैसे जो है उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो वो साइज़ में काफ़ी बढ़ता जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप
यहाँ पर दोस्तों गाय की प्रेगनेंसी को चेक करने का सारा उंगलियों का खेल होता है, तो आपको महसूस करना है, यानी कि जो फीटस है आपका उसको दबाना नहीं है, यानी कि अगर आप उसको दबाओगे तो गाय का एबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो गाइस यार अब बात करते हैं 5 से 7 महीने के बीच में कि गाय को कैसे चेक किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फीटस होता है यानी कि जो बच्चा होता है वो चला जाता है पेल्विस कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। तो गाइस यार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाय की जो एब्डोमिनल कैविटी है वो यहाँ पर कितने डीप है, यानी कि नीचे है। सो जब आप इसका परेक्टल करोगे यहाँ पर आप चेक नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसको अवॉइड करें, और दोस्तों इसमें आपको जो बच्चा है वो चला जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, तो यहाँ पर आपको अगर चेक करना ही है तो यहाँ पर आपको बड़ी सावधानी से चेक करना होगा, और दोस्तों यहाँ पर आपको एक हॉर्न उठाकर ही इसको जो है आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों उंगली से बिल्कुल आराम से चेक करें, इसको आपको दबाना नहीं है, यानी कि यहाँ पर एबॉर्शन होने के काफ़ी ज़्यादा जो है चांसेस हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, हो सके तो फ्रेंड्स इसको अवॉइड करें। जो 5 और 6 महीने होते हैं इसको आप चेक करने के पीडी करने के लिए गाय को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप इसमें पैरेक्टल करेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। करते हैं 8 और 9 महीने की गाय की प्रेगनेंसी की। सो फ्रेंड्स ये बिल्कुल इजी होता है, जो फीटस होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो जो एब्डोमिनल कैविटी में जा चुका होता है वो आ जाता है वापस से पेल्विस कैविटी में, और दोस्तों अब ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया होता है इसकी, तो इसका जो है आप जब इसको चेक करोगे 8 या 9 महीने की प्रेगनेंसी को, तो इसका सिर और इसकी टांगे और इसके शरीर के भाग को आप बहुत ही आसानी से चेक कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसको चेक कर पाओगे। और गाइस कई बार क्या होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कई बार जो पशुपालक होते हैं वो हमें बुलाते हैं और कहते हैं कि गाय चेक करवानी है, तो दोस्तों कई बार होता है कि गाय हीट में होती है, और जब हम हीट में गाय को चेक करते हैं तो वहाँ पर उसकी जो सर्विक्स है वो काफ़ी फूली हुई होती है, मतलब ऐसा सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं गाय में कि गाय प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है और गाय को बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके चेक करना है। सो किसान भाइयों और वेटनरी के स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी ज़रूर करें।